के बीच जब से वो गाना आया है अभी तक वो क्रेज वाला गाना किसी का भी नहीं आया। पिछले पवन सिंह को लेकर बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही थी, पिछले कुछ दिन से पता हुआ कि पवन सिंह कुछ एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं हर एक फेस्टिवल में, लेकिन रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि पवन सिंह के टीम के मैनेजर ही लोग ऐसे हैं कि थोड़ा सा लीजिए अपन कर देते हैं, इस वजह से पवन सिंह टाइमली कुछ नहीं कर पाते हैं। रिकॉर्डिंग सब चीज कंप्लीट होने के बावजूद भी कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, एडिटिंग में लेट हो जाएगा, फिर रिकॉर्डिंग में, फिर डबिंग, लेकिन शायद इस बार कुछ देखने को ऐसा नहीं मिले। पवन सिंह भी मूड बना चुके हैं कि इस साल जो छठ पूजा का गाना आएगा पूरा टाइमली दिया जाएगा। अभी एक फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें देख सकते हैं पवन सिंह खुद स्टूडियो में बैठे हुए हैं। बताया जा रहा है पवन सिंह छठ पूजा गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। गाना तो खैर शूटिंग किया जाएगा बाद में, लेकिन गाने के राइटर लोग तो लिख दिया होगा। वैसे छठ पूजा आने में तो बस 10-15 दिन का टाइम रह गया है, इसलिए पवन सिंह ने सोचा है कि इस बार टाइमली छठ पूजा का गाना फैंस के बीच में दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है जहां तक पता है, बाकी एक दो दिन में शूटिंग सेट से भी फोटो वीडियो वायरल होगा तो चैनल पर अपलोड कर देंगे, देख सकते हो। बाकी शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि सबको पता चले कि इस साल छठ पूजा का गाना अपने फैंस को बहुत जल्द देने वाले हैं।